हाय फ्रेंड्स, इट्स मी अमित अशोक पवार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप दोस्तों आप सब लोग सेफ हो और इस लॉकडाउन के समय में घर बैठे बैठे कुछ नया सीखने की कोशिश ज़रूर कर रहे होंगे, जो कि एक्चुअल में करना भी चाहिए। तो इसलिए मैं भी आप लोगों के लिए एक बेहतरीन नई स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ, जो कि आप सब लोगों की फेवरेट स्क्रिप्ट निफ्टी पे आधारित है। जी हाँ दोस्तों, वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी। और जैसे कि आपने थंबनेल में ऑलरेडी पढ़ी लिया होगा कि कैसे इस स्ट्रेटेजी ने 250% के रिटर्न्स एक साल में दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, वो बिल्कुल सच आपने पढ़ा है कि इस स्ट्रेटेजी ने एक साल में 250% के रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन दोस्तों, ये इतना भी इजी नहीं है, आपको यहाँ पे डिसिप्लिन के साथ काम करना होता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस स्ट्रेटेजी लर्निंग सेशन को। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले और एक चीज़, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आने के लिए बेल आइकन प्रेस करके रखो, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं आप लोगों के लिए ऐसे बेहतरीन वीडियोस लेके आने वाला हूँ, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और आप उसका फ़ायदा उठा पाओ। और एक चीज़ दोस्तों जो मैं आपको बताना भूल गया, कि आप वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि जैसे मैंने लास्ट रिलायंस वाला वीडियो डाला था, उसके बाद मुझे काफ़ी सारे लोगों के फ़ोन्स व्हाट्सएप आए और वो मुझे पूछ रहे थे कि सर कौन से कैंडल देखनी है, अगर एक कैंडल ग्रीन है दूसरी रेड है तो क्या करना है वगैरह वगैरह। तो दोस्तों ये सारे डाउट्स आपको ना रहे, इसलिए आपको वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है और पूरा एंड तक ज़रूर देखना है। फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको सारे आंसर्स प्रॉपरली दे दूंगा, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप या फिर कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की स्ट्रेटेजी को सीखने की कोशिश करते हैं, जो कि जैसे कि आपने नाम पढ़ ही लिया होगा, निफ्टी इंट्राडे स्ट्रेटेजी 12:30 PM। जी हाँ दोस्तों, आपको आपके चार्ट पे 5 मिनट की कैंडल का चार्ट ओपन करना है, ओपन 5 मिनट्स निफ्टी फ्यूचर का चार्ट। उसके बाद आपको 12:30 पूरे बजने का वेट करना है, इंतज़ार करना है जब तक कि 12:30 बजे वाली 5 मिनट की कैंडल निफ्टी फ्यूचर की क्लोज ना हो जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये नहीं देखना है कि कैंडल का कलर कौन सा बना है, रेड बना है, ग्रीन बना है, या फिर कोई मतलब पिन बार बना है, या फिर डोजी बनी है। जिनको भी टेक्निकल कोई कैंडलस्टिक का नॉलेज है उनको पता रहेगा कि डोजी क्या होती है, पिन बार क्या होता है, या फिर एंगल्फिंग वगैरह क्या होता है। तो आपको कैंडल का कोई भी पैटर्न आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है, ना कि उसका कलर भी। ठीक है, आपको सिर्फ क्या फॉलो करना है, यू नीड टू प्लेस अ बाय ऑर्डर अबाउ द हाई ऑफ 12:30 PM कैंडल एंड वाइस वर्सा। जैसे कि जब भी आपको दिखाई देता है 12:35 PM के बाद कि कोई भी उसके बाद वाली कैंडल अगर 12:30 PM वाली 5 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक करने की कोशिश करता है, तो आपको वहाँ पे बाय वाला ट्रेड प्लेस कर देना है दोस्तों। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, अगर कोई भी कैंडल मतलब आफ्टर 12:35 कोई भी कैंडल अगर उस 12:30 वाली जो कैंडल है 5 मिनट की, उसका अगर लो ब्रेक करने की कोशिश करता है, तो आपको वहाँ पे सेल का ट्रेड लेना है, जो कि आपका ब्रैकेट ऑर्डर कवर ऑर्डर से इजीली बैठ जाता है। तो अभी बात करते हैं कि टारगेट्स कैसे लगाने हैं और स्टॉप लॉसेस कैसे लगाने हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले बात होती है स्टॉप लॉस की, क्योंकि स्टॉप लॉस ही सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। और ये जो स्ट्रेटेजी है दोस्तों, ये 1:2 के रिस्क रिवार्ड में मैंने सेटअप की है, या फिर डेवलप की है आप बोल सकते हो। तो स्टॉप लॉस वुड बी द लो ऑफ दैट 12:30 PM कैंडल। कभी अगर आपको बाय का ट्रेड मिला है, बाय का सौदा अगर आपका हुआ है, तो उस 12:30 PM की जो कैंडल रहेगी उसके लो का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और टारगेट की बात हम आगे अभी करेंगे। या फिर अगर आपको 12:30 PM के बाद कोई सेल का ट्रेड मिला है, तो ये वाली कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस वुड बी द हाई ऑफ दैट 12:30 PM कैंडल। ओके दोस्तों, ध्यान से सुनना मेरी बात। उसके बाद अभी हम बात कर लेते हैं टारगेट की। सो टारगेट वुड बी द डिफरेंस ऑफ हाई लो ऑफ दैट 12:30 PM कैंडल इंटू टू। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये स्ट्रेटेजी मैंने 1:2 के रिस्क रिवार्ड में सेटअप की है। तो मतलब 1:2 इसका रिस्क रिवार्ड का मतलब क्या होता है, कि अगर मुझे लॉस होने वाला है, अगर मेरा स्ट्रेटेजी फेल होने वाला है, तो मुझे 1 रुपये का लॉस होगा, लेकिन जिस भी दिन मेरा टारगेट आएगा मुझे 2 रुपये आएंगे। तो यहाँ पे हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छे से बना रहता है। तो बस यही चीज़ें हमें सिर्फ फॉलो करनी है, दैट्स इट दोस्तों। चलो मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ।
तो ये है दोस्तों निफ्टी फिफ्टी ज़ीरोधा ब्रोकर का काइट एप्लीकेशन का निफ्टी फिफ्टी का चार्ट मैंने आपके लिए ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। और जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा रहेगा कि मैं पूरा प्रूफ के साथ इसको बनाया हुआ है, तो चलो मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। 2019 अप्रैल फर्स्ट, ओके सो आ गए हम वहाँ पे। यहाँ पे आपको देखो दिखाई दे रहा होगा कि 2019 अप्रैल मंथ है और फर्स्ट ऑफ द अप्रैल है। यहाँ पे मैंने टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया है दोस्तों 5 मिनट का, जो कि कंपलसरी है। और अभी आप मुझे यहाँ पे बोलोगे कि सर आपने बोला कि निफ्टी फ्यूचर में आपको ट्रेड करना है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है, लेकिन ब्रोकर ये जो ब्रोकर है यहाँ पे हमें क्या मतलब हिस्टोरिकल चार्ट्स नहीं मिलते, तो इसलिए मैं मतलब आपको निफ्टी 50 का जो कि निफ्टी 50 इंडेक्स है उसका चार्ट दिखा रहा हूँ। आपको ट्रेड करना है निफ्टी फ्यूचर के हिसाब से ही करना है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये देखो यहाँ पे आपको नीचे टाइम दिखाई दे रहा होगा ये वाले पोर्शन में, तो आपको वेट करना है 12:30 PM तक। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि 12:30 PM की कैंडल क्या बनी थी। ये देखो दोस्तों यहाँ पे नीचे आप टाइम देख सकते हो, बिल्कुल मेरे स्क्रीन पे यहाँ पे आपको नीचे टाइम और डेट दिखेगी। तो ये है वो कैंडल जो 1 अप्रैल 2019 को बनी थी 12:30 PM को। अभी इसका हाई और लो आपको ऊपर टॉप लेफ्ट सेक्शन में दिखाई दिया होगा, ये देखो यहाँ पे आप नोटिस करना जब मैं वहाँ पे माउस लेके जाऊँगा। तो हाई था 11,705.5 और लो था 11,694.70 का, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था, अगर इस कैंडल का हाई उसके अगली वाली कैंडल या फिर कोई भी कैंडल ब्रेक करने की कोशिश करती है तो आपको वहाँ पे बाय का सौदा बाय का ट्रेड बनाना है और आपको स्टॉप लॉस सिर्फ ये लगाना है, इस 12:30 PM वाली कैंडल जो है उसका लो का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे चेकआउट करके देखते हैं, मैं आपको आपके सामने आपको लेवल्स निकाल के दिखाता हूँ आपको एक्चुअल में करना क्या है। तो उसका हाई था 11,704.05 माइनस, उसका लो कितना था, लो था 11,694.70। तो डिफरेंस कितना आ रहा है दोस्तों, 9.35। तो आपको 9.35 × 2 तो आपका टारगेट कितना हो जाएगा, 18.70 रुपये का स्टॉप टारगेट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी चेक करते हैं हम स्टॉप लॉस आया था कि टारगेट आया था। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे अभी इसको मैं थोड़ी देर के लिए मिनिमाइज़ करके रखता हूँ, तो अगले वाले कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया था और यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ, थोड़ा स्टॉक नीचे आया था, मतलब निफ्टी फ्यूचर थोड़ा नीचे आया था, बाद में फिर ऊपर जाके उसने अपना 18 रुपये का जो भी टारगेट था वो अचीव कर लिया है। हम यहाँ पे फिर से एक बार देख लेते हैं कि टारगेट क्या बन रहा था और स्टॉप लॉस क्या बन रहा था, ध्यान से आप एक बार फिर से देखना 11,704। तो आपको भी आइडिया आएगा जब आप ट्रेड करने जाओगे तो स्टॉप लॉसेस और टारगेट आपको कैसे लगाने हैं वो पता चलेगा। 9.35, सो 9.35 × 2 18.70, सो 18.70 प्लस हम इसका हाई गिनेंगे यहाँ पे 11,704.05, तो 11,722.75 का अपना टारगेट बन रहा था। तो वो टारगेट ये देखो या इस लेवल पे अपना टारगेट अचीव हो चुका है दोस्तों, ठीक है। तो वैसे ही हम हर दिन आपको करना है, जैसे कि अभी देखो 2 अप्रैल को हुआ क्या है, 2 अप्रैल को 12:30 PM को क्या कैंडल बनी है, एक डोजी टाइप की कैंडल बनी है। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला आपको कैंडल का पैटर्न वगैरह कुछ भी नहीं देखना है, आपको सिर्फ देखना है कि कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है या फिर लो ब्रेक हो रहा है। तो अगली वाली कैंडल ने हुआ क्या है, इस कैंडल का 12:30 PM वाली कैंडल का हाई ब्रेक कर लिया है तो अपना ट्रेड यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर से एक बार कैलकुलेशन करके देखते हैं कि अपना स्टॉप लॉस आया था कि अपना टारगेट आया था। तो इसका हाई था 11,708.50 और उसका लो था 11,701.90 का, तो डिफरेंस आ रहा है 6.60 रुपये का। ऑब्वियसली यहाँ पे अपना बाय ट्रिगर ऑलरेडी हो चुका है, तो अपना टारगेट अभी क्या बनेगा दोस्तों, हाई के ऊपर × 6.6। तो अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ 6.6 × 2 मतलब 13.20 रुपये का अपना टारगेट था। तो क्या इसने 13.20 रुपये हमें दिया, तो 13.2 प्लस हम इसका हाई गिनेंगे 11,708.50, 11,721 का टारगेट था। तो
इसके ऊपर इसने हाई किया है, 11,713 तक का ही इसने हाई किया है। और उसके बाद हुआ क्या है, 1 बजे के करीबन मार्केट तुरंत नीचे आ गई है और इसी एक ही कैंडल ने अपना जो यहाँ पे स्टॉप लॉस था, देखो स्टॉप लॉस कितना इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, अगर आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता तो सीधा 5 मिनट के अंदर आपका इतना बड़ा नुकसान हो जाता था। लेकिन जैसे कि आपने स्टॉप लॉस, मैंने बताया आपको स्टॉप लॉस लगाना है, तो अगर आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया होता तो आपका ट्रेड यहीं पे एग्जिट हो जाता, तो आपको 6.60 पैसे का यहाँ पे नुकसान भुगतना पड़ा। कौन से दिन, द वेरी सेकंड डे, नेक्स्ट मतलब 2 अप्रैल को। अभी आगे और हम देखेंगे कि कैसे है इसकी, मैंने एक प्रॉपर आपको बैक टेस्टिंग की रिपोर्ट मतलब एक्सेल शीट भी बना के रखी हुई है, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ। तो थर्ड डे हुआ क्या है, थर्ड डे 12:30 PM के कैंडल ने क्या किया है, एक बड़ी वाली कैंडल मतलब रिवर्सल कैंडल हम इसको बोल सकते हैं, वो बनाई थी यहाँ पे एक छोटे टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे उसकी रेंज थी हाई था 11,741.50 का और लो था 11,729 का। आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हो जब भी मैं यहाँ पे माउस लेके जाऊँगा, तो जो भी हाई लो का डिफरेंस था। तो अभी हम यहाँ पे भी फिर से एक बार चेक करेंगे कि स्टॉप लॉस आया है कि टारगेट आया है। माइनस उसका लो था 11,729 का, तो करीबन 12.50, तो 12.50 इंटू आपको 2 करना है, मतलब आपका एग्जैक्टली राउंड फिगर 25 पॉइंट का टारगेट था। तो क्या इसने हमें 25 पॉइंट दिए हैं, तो हम अभी कैलकुलेशन करेंगे हाई के ऊपर हम 25 रुपया गया है कि नहीं, वो हमें चेक करना होगा, जो कि फिगर आ रही है 11,766.50। तो इसने हाई लगाया है 52.70 तक का, ऊपर आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में 11,752.70 का उसने हाई लगाया और फिर मार्केट उस दिन नीचे चली गई थी और अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं ना कहीं पे हिट हुआ रहेगा ए वाली कैंडल का, मतलब यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो अनफॉर्चुनेटली थर्ड डे भी हमें लॉस भुगतना पड़ा। अभी हम देख लेते हैं फोर्थ डे क्या हुआ है, ये वाली वो कैंडल थी, यहाँ पे हुआ क्या है देखो अभी ध्यान से देखना आप दोस्तों, सेकंड वाली कैंडल ने हाई ब्रेक नहीं किया है ना ही लो ब्रेक किया है, उसके बाद वाली कैंडल ने यहाँ पे हाई के ऊपर थोड़ा सा मतलब एक ये लगाया होगा, तो हम इसका हाई लो नोट करेंगे। हाई था 11,747.65, तो यहाँ पे देखो हाई ब्रेक हुआ है, लेकिन हाई ब्रेक होने के बाद मतलब 5-10 पैसा के हाई ब्रेक होने के बाद तुरंत उसने क्या किया, अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिया। तो यहाँ पे भी अनफॉर्चुनेटली हमें नुकसान भुगतना पड़ा 4 अप्रैल को। अभी हम देख लेते हैं और एक दिन का 5 अप्रैल, 5 अप्रैल को क्या हुआ है, हमें फिर से देखनी है 12:30 की जो भी कैंडल बनेगी वो, तो ये वाली कैंडल 5 अप्रैल 2019 को बनी थी, ये वाली कैंडल थी वो। तो यहाँ पे 11,628.50 का हाई था और 18 का लो था, तो हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं दोस्तों एक बार कि क्या हुआ था एक्चुअल में। 11,628.50 माइनस 11,618.15 कितनी रेंज आ रही है, 10.35, तो 10.35 इंटू 2 आपको करना है, क्या रेट आ रहा है आपका 20.70, तो इस हाई के ऊपर आपको वो रेट देखना है 20.70 इंटू इसका हाई क्या बना था 11,628.50। तो टारगेट के लिए हमें क्या फिगर चाहिए दोस्तों, 11,649.20। तो अभी चेक करेंगे हम कि क्या हुआ था, अगली कैंडल ने ट्रेड एक्टिवेट कर लिया यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस से, ठीक है, उसके बाद वो ऊपर गया, ऊपर आप यहाँ पे हाई चेक कर सकते हो, ऊपर गया और यहाँ पे उसने क्या किया 46.25, ये वाली कैंडल ने भी अपना टारगेट नहीं दिया, 3-4 रुपये के लिए रह गया, फिर से थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ तक आ चुका था, फिर से उसके बाद और एक बुलिश कैंडल बनी जिसने हाई किया है 11,654 रुपये का और वहाँ पर अपना टारगेट दोस्तों अचीव हो चुका है। तो ये फ़ायदा होता है 1:2 अगर आपका रिस्क रिवार्ड है तो आपका टारगेट कम भी आएगा तो भी आप एट द एंड ऑफ द फिनेंशियल ईयर प्रॉफिट में ही निकलोगे। तो ऐसे आप पूरा साल भर का एक एक करके दोस्तों टेस्टिंग कर सकते हो, कंडीशन सिर्फ वही है कि आपको 5 मिनट की कैंडल देखनी है जो कि निफ्टी फ्यूचर का चार्ट आपको लगाना है, उसके हाई के ऊपर आपको बाय करना है, लो के नीचे आपको सेल करना है हमेशा। तो चलो मैं आपको अभी लेके चलता हूँ बैक टेस्टिंग फुल प्रूफ रिपोर्ट पे। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए पूरे साल भर अगर आपने ट्रेड किया होता तो आपका क्या मुनाफा रहता या फिर क्या नुकसान रहता। तो दोस्तों देखो, ऑन द वेरी फर्स्ट डे जैसे मैंने आपको दिखाया था
कि आपका टारगेट आया था, नेक्स्ट डे आपका स्टॉप लॉस आया था, उसके बाद भी आपका स्टॉप लॉस आया था, इस तरह से। यहाँ पे तीसरे दिन हमको नुकसान का सामना करना पड़ा था, जो कि था 3 अप्रैल 2019। चौथे दिन भी हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था, जहाँ पे अपना 800 रुपये का नुकसान हुआ था। 5 अप्रैल को हमें प्रॉफिट हुआ था, जो कि अराउंड 3000 रुपये का था, एंड सो ऑन। आप पूरे साल भर का डेटा नीचे देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। प्लस मैंने ये जो किया है और एक कॉलम यहाँ पे ऐड किया है ब्रोकरेज वाला, वहाँ पे मैंने ब्रोकरेज कंसीडर करी है, जो कि अपस्टॉक्स और जीरोदा में लगाई जाती है, बाय और सेल दोनों का मिला के, इंक्लूडिंग ब्रोकरेज प्लस STT वगैरह 250 रुपये के अराउंड आपको लग जाती है। कभी 247 रुपये लगता है, कभी 250 रुपये, कभी 251 रुपीज़, तो एवरेज आपका पड़ता है दिन का 250 रुपये बाय और सेल का। तो वो भी हम प्रॉफिट या फिर लॉस में, प्रॉफिट में से डिडक्ट कर लेंगे, लॉस में से भी डिडक्ट ऐड कर देंगे लॉस में। सवाल उठता है कि क्वांटिटी, मतलब मैंने दो लॉट में क्यों काम किया, क्योंकि मैंने कंसीडर ये किया है दोस्तों कि आप 1,00,000 रुपये के साथ यहाँ पे काम करोगे तो आपका रिस्क रिवार्ड अच्छे से बना रहता है। तो कैपिटल मैंने कंसीडर किया 1,00,000, तो नॉर्मली 1,00,000 के अंदर दो लॉट इजीली इंट्राडे के लिए मतलब आ जाते, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको मार्जिन कितना लगता है। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों, तो अपस्टॉक्स ये ब्रोकर में आपको 62,524 रुपीज़ का इंट्राडे में मार्जिन लगता है, जिसके अंदर आप दो लॉट में इजीली काम कर सकते हो। और एक ब्रोकर है जीरोदा करके, वहाँ पे भी आपको 62,000 का ही ऑलमोस्ट कैपिटल रिक्वायर्ड है, जहाँ पे आप ब्रैकेट और कवर ऑर्डर के साथ प्रॉपरली काम कर पाते हो, जो वहाँ पे भी मतलब आपको वहाँ पे भी आपको 150 क्वांटिटी आप ट्रेड कर पाओगे। तो चलो दोस्तों, आगे अभी हम देखते हैं कि पूरे अप्रैल में क्या रहा है। मैं एक्सेल शीट को थोड़ी सी छोटी कर लूँगा ताकि आपको नीचे यहाँ पे सम दिखाई दे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप प्रॉपरली अगर देखोगे, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ सारे प्रॉफिट एंड लॉसेस को, तो ये था पूरा अपना अप्रैल का मंथ। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि प्रॉफिट हुआ है 10,650 रुपया, लेकिन ये सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट है दोस्तों। इसमें से हमें नुकसान तो हमने माइनस कर ही लिया, हमें ब्रोकरेज भी निकालनी है क्योंकि वो अपना खर्चा है, ठीक है। तो मैं आपको तुरंत वो भी दिखा देता हूँ कि वो कैसे किया जाता है। तो 10,650 का अपना था ग्रॉस प्रॉफिट माइनस, अभी हमको क्या करना होगा, पूरे अप्रैल मंथ में हमें ब्रोकरेज कितनी लगी है वो हम चेक कर लेंगे एक बार। तो ये है अप्रैल महीना, ब्रोकरेज लगी है दोस्तों 4,750 की। तो ऑब्वियसली 10,650 माइनस हमें करना होगा 10,650 माइनस 4,750, तो 5,900 रुपया ये हमारा हुआ है नेट प्रॉफिट इन द मंथ ऑफ अप्रैल दोस्तों, ठीक है। तो फिर से मैं एक्सेल शीट को थोड़ी बड़ी कर लूँगा अभी। तो ऐसे अगर आप पूरे साल भर ट्रेड करोगे तो क्या आप प्रॉफिट में रहे हो या क्या आप नुकसान में रहे हो। तो चलो नीचे जाके मतलब वो भी समरी हम एक बार देख लेते हैं। आपको इसको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि एट द एंड ऑफ द ईयर आपका ग्रॉस प्रॉफिट था दोस्तों 3,20,560 रुपये के अराउंड, जी हाँ, जो कि 300% होता है। लेकिन ये सिर्फ है ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें से आपको ब्रोकरेज जो आ जाती है वो रिड्यूस करनी होगी, मतलब डिडक्ट करनी होगी। तो 3,20,561 में से अगर आप पूरे साल का ब्रोकरेज कैलकुलेट करोगे तो देखो यहाँ पे आपको दिखाई देगा दोस्तों कि 62,750 रुपीज़ की आपकी ब्रोकरेज कटी है आपके टोटल पूरे साल भर में, मतलब टिल 17 अप्रैल तक का ये डेटा है, 10 दिन पहले वाला। तो वहाँ पे आपको टोटल ट्रेड्स मिले थे दोस्तों 251 ट्रेड्स आपको मिले थे, उसमें से 62,000 का ब्रोकरेज आपने पे कर दिया है। उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर ब्रोकरेज जो कि होता है नेट प्रॉफिट दोस्तों, तो 3,20,000 रुपये में से हमने 62,000 माइनस कर दिया तो बचता है 2,57,811 रुपीज़। तो ये हुआ दोस्तों आपका नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट जैसे कि आपने थंबनेल में देखा था कि मैंने वहाँ पे लिखा है कि 250% प्रॉफिट इन अ ईयर, तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने कैपिटल कंसीडर किया था दोस्तों 1,00,000 रुपया और हमें मुनाफा मतलब नेट प्रॉफिट हुआ है 2,57,000। तो आपको क्या करना है, 2,57,811 डिवाइडेड बाय जो भी पैसा आपने लगाया था इनटू आपको 100 करना है, तो टोटल परसेंटेज निकाल के आती है 257% का आपका साल भर का मुनाफा था। तो दोस्तों
बस ये मतलब ये एक अच्छी सी एक रिपोर्ट थी जो मुझे आपको दिखानी थी, जो कि प्रूफ था, जो कि मतलब आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, आपके चार्ट के अकॉर्डिंग भी वो मैच होना चाहिए। तो आप वो बैक टेस्ट करके देखना, उसके बाद ही आप इस स्ट्रेटेजी में ट्रेड करना, क्योंकि ये है बैक टेस्टेड डेटा। तो आगे क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, ठीक है, लेकिन आपको डिसिप्लिन के साथ साथ यहाँ पर काम करना है। तो मैं आपको और एक रिपोर्ट दिखाता हूँ जो कि मंथ वाइज परफॉर्मेंस कैसे रहा है। तो देखो दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके आप एक जैसे कि मतलब एक्स्ट्रा इनकम आप बोल सकते हो कि प्रति महीना आपको एक एक्स्ट्रा इनकम अगर कमानी है तो इस स्ट्रेटेजी को आप बिल्कुल अपना सकते हो। देखो अप्रैल महीने में हमें 5,900 का प्रॉफिट हुआ था, जैसे मैंने आपको इस वाली शीट में कैलकुलेट करके दिखाया था, एक्सक्लूडिंग ब्रोकरेज, मतलब ब्रोकरेज निकाल के डिडक्ट करके। मई मंथ 2019 में हमें पैसे मिले थे 17,600 रुपया। जून महीने में हमारा प्रॉफिट हुआ था 13,782 रुपया। जुलाई महीने में हमारा प्रॉफिट हुआ था 7,500 अराउंड। अगस्त में हमारा प्रॉफिट हुआ था 38,700 समथिंग। सितंबर में 18,000 का प्रॉफिट हुआ था। अक्टूबर में 30,000 का प्रॉफिट हुआ था। नवंबर 65,000, दिसंबर 12,000, जनवरी 20,000, फरवरी 23,000, मार्च 55,000 जो कि सबसे ज़्यादा है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये फिगर्स देखो दोस्तों, नेट प्रॉफिट यहाँ पे आप टूल टिप में पढ़ सकते हो, नेट प्रॉफिट मार्च 2020 वैल्यू आपको दिखा रही है 55,000 की 361 रुपीज़। अप्रैल महीना मतलब ये जो लास्ट मंथ अभी गुजरा है वहाँ पे हमें 7,000 का प्रॉफिट मिला है। तो ऐसे इसकी आप पूरी टोटल करोगे तो आपको 2,50,000 का प्रॉफिट यहाँ पे मिला है दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये इतना भी आसान नहीं है, आपको इस स्ट्रेटेजी को डिसिप्लिन के साथ रह के काम करना होगा। मान के चलो दोस्तों कि अगर आपने ये स्ट्रेटेजी फॉर एग्जांपल अभी लास्ट साल सीखी होती मुझसे, ठीक है, और 1 अप्रैल से आपने इसमें काम करना स्टार्ट किया होता, तो आप सच बताना कि क्या आप डेली बेसिस पे दो लॉट में कंटिन्यूसली ये लॉस देखे बगैर भी यहाँ पे ट्रेड कंटिन्यू करते। यहाँ पे आप देखो कि आपको लगातार आपको 5 दिन नुकसान का सामना करना पड़ा है, जो कि ऑलमोस्ट आपका नुकसान यहाँ पे 2300 रुपये के अराउंड दिखा रहा है, ठीक है। तो लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों कि लोग क्या करते हैं, स्ट्रेटेजी तो सीख लेते हैं लेकिन डिसिप्लिन के साथ उसके ऊपर टिके नहीं रहते। जैसे कि आज ये स्ट्रेटेजी पढ़ ली, उसमें ट्रेड मारने की कोशिश करी, उसमें फॉर एग्जांपल नुकसान हो गया, अगले दिन उनको कोई और स्ट्रेटेजी मिलती है, या फिर उनका फ्रेंड या फिर कोई ब्रोकर फ़ोन करता है, या फिर कोई टिप्स प्रोवाइडर वाले फ़ोन करते हैं, उनके चक्कर में आके वो ट्रेड कर लेते हैं और नुकसान का सामना उनको करना पड़ता है। तो होता ये है दोस्तों कि डिसिप्लिन फॉलो किए बगैर अगर आप ट्रेड करोगे तो एट द एंड ऑफ द ईयर, आई मीन एट द एंड ऑफ द फिनेंशियल ईयर, आप नुकसान में ही कटोगे। तो होता ये है दोस्तों कि ऐसे लोग फिर बाद में जाके स्टॉक मार्केट को गाली देते हैं और बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, यहाँ पे कोई भी आदमी पैसे नहीं कमा सकता है। तो प्रॉब्लम स्टॉक मार्केट का नहीं है, प्रॉब्लम उनके साइकोलॉजी का है, उनके डिसिप्लिन का है, वो रूल को फॉलो नहीं कर पाते, इसलिए उनको ये प्रॉब्लम उनके साथ होती है। तो दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। तो दोस्तों कैसे लगी आपको ये स्ट्रैटेजी, है ना सिंपल? एक्चुअली वैसे देखा जाए तो इतना भी सिंपल नहीं है दोस्तों, क्योंकि स्टॉक मार्केट का पहला नियम है डिसिप्लिन। ज़्यादातर लोग डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पाते हैं, एक स्ट्रेटेजी पे काम कर नहीं सकते हैं पूरे साल भर, और एट द एंड ऑफ द ईयर वो लॉस में ही आपको मिलेंगे। एक्चुअली स्टॉक मार्केट क्या, लोग तो अपनी लाइफ में भी डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो आपको यहाँ पे डिसिप्लिन के साथ काम करना सीखना पड़ेगा, तभी आपको इस स्ट्रेटेजी से सक्सेस मिल सकती है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ कि आपको ये स्ट्रेटेजी सच में कैसी लगी, फ्रैंकली बताना। अगर अच्छी लगी है तो इसमें क्या अच्छा लगा, या फिर अगर आपको कुछ बुरा लगा हो इसमें तो आप फ्रैंकली बता सकते हो कि सर इसमें ये बुराई है। ओके दोस्तों, अल्सो अगर आपको स्ट्रेटेजी पसंद है, मेरे वीडियोस आपको अगर पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक करने के लिए बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों, क्योंकि उससे मुझे समझ में आता है कि कितने लोगों को मेरी स्ट्रेटेजी, मेरी वीडियोस, मेरा जो इनिशिएटिव है वो पसंद आ रहा है। तो दोस्तों आपने तो अभी ये स्ट्रेटेजी सीख ली, और शायद आप कल से इसका लाइव मार्केट में उपयोग करके पैसे भी कमाना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अपने इंडिया में बहुत सारे ऐसे आपके भाई है, आपके फ्रेंड्स हैं जिनको जो इंतज़ार में है
कि कोई मुझे सिंपल लैंग्वेज में कुछ स्ट्रेटजी या फिर मार्केट में काम कैसे करना है वो सिखा दे, तो प्लीज़ कृपा करके आप आपके दोस्तों के साथ या फिर आपके कोई भी रिलेटिव्स फ्रेंड्स से उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो, ताकि आपके साथ साथ और मेरे साथ साथ वो लोग भी इस स्ट्रेटजी का बेनिफिट उठा पाए और पैसे कमा पाए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, फिर जल्दी मुलाकात होगी और एक नए वीडियो के साथ और एक नए स्ट्रेटजी के साथ। तब तक के लिए आपका ख्याल रखना। बाय बाय।